इंफ्रारेड रेस की एप्लीकेशन। खुशी आपसे भी बेटा ये सवाल, इंफ्रारेड वेव्स को हम और क्या कहते हैं, हीट वेव्स। हीट वेव्स आंच जला के साथ बैठ के तापते हैं वो हाथ, तो आंच में से क्या आ रहा है आपके हाथ में जो आपको गर्मी महसूस हो रही है, हीट वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन कैसा होता है, कहाँ यूज होती है, कहाँ यूज करते हैं हम इसको? अच्छा कुकिंग में यूज करते हैं कहीं पे, गर्मी तो होती ना उसमें, तो कुकिंग में यूज कर सकते हैं इसको। माइक्रोवेव देख बता भी दिया उसको। माइक्रोवेव माइक्रोवेव हाँ मैं हिंट दे रहा हूँ फिर नहीं बताते। माइक्रोवेव ओवन्स में इंफ्रारेड रेडिएशन, वो हाई फ्रिक्वेंसी जो माइक्रोवेव रेंज में आती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और माइक्रोवेव में कुकिंग किस बेसिस पे होती है, कौन सी चीज गर्म हो सकती है माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव में कौन सी चीज को हम कांच, कुक करते हैं? मतलब कांच का नहीं वो तो यूटेंसिल हो गया, किस में हमें रखना चाहिए, कौन सी चीज कुक कर सकते हैं। दो कोई चीज का हो तो आपने खाली कांच का बर्तन रख दिया माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए ऑन कर दिया, तो वो गर्म हो जाएगा, नहीं कांच तो गर्म ही नहीं होता, तो कांच को तो गर्म कर नहीं सकते, तो कांच गर्म क्यों नहीं होता, ये सवाल इंसुलेटर है। रिफ्लेक्ट कर देता अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो उसके अंदर जो रखा होगा उस वो कैसे गर्म होगा, ठीक है। अभी सुनते हैं इसकी जवाब क्या बोला, रिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसे बोला था ना आपने। और कांच हमने क्या पढ़ा है, कांच कैसा मीडियम है, उससे वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी या उसके पार जाएंगी, इंफ्रारेड पार जाएंगी ना तो उसमें अंदर जाती है, ठीक है। काफी देर रखने पे हो जाता है। नहीं कांच गर्म कभी भी नहीं होगा, कांच में जो आप फूड रख के गर्म करते हो वो गर्म होता, उसकी वजह से कांच गर्म, ठीक है। कंडक्शन क्या कहते हैं इसको, कंडक्शन। तो कांच के बर्तन में कौन सा फूड गर्म होगा, दैट इज द क्वेश्चन। बता दो बेटा, वो पे एक चीज है जैसे जो एब्जॉर्ब जिस फूड में मॉइस्चर होगा सिर्फ वही गर्म है। वो कांच के बर्तन में कांच के टुकड़े रख दो वो गर्म नहीं। इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाय वाटर मॉलिक्यूल ओनली, ठीक है। एंड बिकॉज दे आर गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट, रेडिएशन अंदर तक पेनिट्रेट करके जाती है, बॉडी के पार जाती है, तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल बीच में मिलते हैं वो सारे रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और एनर्जाइज हो जाते हैं, ठीक है। जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको जो लेटेंट हीट है वो मिल जाएगी, या स्पेसिफिक हीट है वो मिल जाएगी, इट्स टेम्परेचर गोज अप। सर, सिर्फ वाटर या लिक्विड, कोई भी लिक्विड, जैसे अगर हमने किसी कंटेनर में ऑयल वगैरह जैसा कुछ रख दिया तो वो नहीं हीट होगा? ऑयल उतना हीट नहीं होगा जितना वाटर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब्स हीट वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। बाकी चीजें भी एब्सॉर्ब करती होंगी मगर वो उतना एफिशिएंटली नहीं करती, ठीक है। जो माइक्रोवेव का डिजाइन है वो वाटर, वो मॉइस्चर के लिए ही है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए ही, ठीक है। और सारे फूड मटेरियल जो भी है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर होता ही होता है, अगर वो ड्राई ना किया गया हो, ठीक है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता ही है।
और मॉइस्चर प्रेजेंट है तो कुक फटाफट होगी, ठीक है। मॉइस्चर बहुत कम है तो कुकिंग में ज्यादा टाइम लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। फिर इसी के साथ एक सवाल और आता है, ये बेटा सुन रहे हो, हम फूड को स्टील के बर्तन में नहीं रखते हैं, हम फूड को स्टील के बर्तन में नहीं रखते हैं। बेटा क्यों नहीं रखते हैं? अरे बाबा, अच्छा स्टील के अंदर से रेत से डालती है, अब सही खोल दी है। जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉपर का कंटेनर है, चाहे वो स्टील का बर्तन है, आयरन का कंटेनर है, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके खुद ऑसिलेट होने लग जाते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास नहीं होती है, ऑसिलेट हो रहे हैं। इट इज लाइक जैसे वो बेंच होते हैं ना हॉस्पिटल्स वगैरह में रखे होते हैं, तीन तीन चार चार इकट्ठे बैठे रहते हैं एक ही बेंच पे, कंबाइंड बेंच है, या पार्क में लंबा बड़ा सा बेंच है उससे बैठे, ठीक है। दो जने आराम से बैठे और तीसरा आके झूल रहा है, तीसरा झूल रहा तो उन दो को जबरदस्ती झूलना पड़ रहा है उस पर बैठे, ठीक है। तो सिचुएशन वैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो भी उसके साथ ऑसिलेट करने लगे, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन एंड इट इज नॉट पास टू द फूड, ठीक है। तो फूड जो है वो एफिशिएंटली हीट नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ रेस, अब गिलास रखा हुआ है, सारा तो गिलास सारा ढका हुआ है, ऊपर का सरफेस खुला है, वहां से जितनी रेस एब्सॉर्ब हुई होगी, दैट्स इट, ठीक है। ये समझो, फटता वटता कुछ नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है, हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा, अब तो बता दे, हिंट दे रहा हूं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़े। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब किसी सरफेस पे रेडिएशन पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ चांस दैट सम चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द बॉडी दे एस्केप, अगर बॉडी से चार्ज पार्टिकल एस्केप हो जाएंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, अनचार्ज क्यों हो जाएगी, न्यूट्रल तो थी वो, चार्ज हो जाएगी। और जब आप उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाओगे और हाथ टच करोगे तो क्या होगा, करंट नहीं लगेगा, मोमेंटरली एक शॉक की फीलिंग होगी, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ स्पार्क दैट जंप्स, जो आपने अदरवाइज भी कई बार फील किया होगा, हाँ होता है ना, एग्जैक्टली वही। और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, जो प्लास्टिक की सीट पे बैठे हो, ठीक है, और आपके अगर कपड़ों में वूलन कंटेंट है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बॉडी पे चार्ज आता है, ठीक है। आपने स्वेटर पहना हुआ है, आपने स्वेटर चेंज किया है, शॉल लपेटी हुई, कंबल लपेटा हुआ है, वो उतारा है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बॉडी पे चार्ज आता है, ठीक है। अब आप अलमारी का दरवाजा खोलने जा रहे हो, मेटल है वो, चार्ज जंप करेगा तो फिक्स सा फील होगा, हल्का सा चार्ज जो जंप करता है वो उसी वक्त होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज बॉडी पर आता है, ठीक है। अब बॉडी पे चार्ज नहीं, अब कंटेनर पे चार्ज, वो चार्ज जब बॉडी पे आएगा तो वो सेम फीलिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सवाल माइक्रोवेव ओवन के साथ बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। माइक्रोवेव की कुकिंग फिलॉसफी क्या है, इट कुक्स फ्रूट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ कुक करता है, बाहर मॉइस्चर कम होगा, बल्क में ज्यादा होगा, तो अंदर हीटिंग ज्यादा होगी, बाहर कम होगी। हार्ड कुकिंग में क्या करते हैं, पानी पानी उबालते हैं, पानी में डालते हैं चीजों, दाल को, आलू को, जो भी सब्जी को, तो वो बाहर से अंदर की तरफ कुक करती है, वो ज्यादा हार्ड कुक करनी पड़ती है,
ठीक है। हार्ट कुकिंग में बाहर से अंदर फूड कुक होता है, माइक्रोवेव से अंदर से बाहर की तरफ कुक, तो सारा इवनली कुक है।